दोस्तों, अगर आप पेटीएम के बीसी एजेंट है और आप सेंड मनी टू बैंक मल्टीपल बहुत सारे बैंक अकाउंट में करते हैं और आपका सेंड मनी टू बैंक अगर करते यानी कि पेटीएम के बीसी ऐप से डायरेक्ट किसी बैंक अकाउंट में सेंड करने का पैसा, तो वहाँ पर जो बेनिफिशियरी पहले सेव दिखता था, लेकिन रिसेंटली वो जो मनी सेंड मनी जो बैंक करते जो बेनिफिशियरी था वो आपका ब्लैंक दिख रहा है। हो सकता है आपका कुछ में से कुछ का दिखे, लेकिन ज्यादातर जो अलग अलग ज्यादातर अलग अलग मतलब की बेनिफिशियरी ऐड करते थे, बहुत ज्यादा ऐड करते, उनका ब्लैंक हो गया, जैसे मेरा यहाँ पे ब्लैंक हो गया है। तो आज के इस वीडियो में वापस लाने को जानेंगे, अगर आपको इशू आ रहा है बेनिफिशियरी ब्लैंक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, या फिर आपका आ भी रहा है और आप एक पेटीएम का बीसी एजेंट है तो भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, ताकि आप फ्यूचर कभी आपको ऐसे इशू देखने मिले तो आप उसके सॉल्यूशन को पहले से जानकारी हो। वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिए। तो सॉल्यूशन जानने से पहले हम जानते हैं इसका कारण ये क्यों आता है। जब आप बहुत सारे बेनिफिशियरी ऐड कर लेते हो, एक दो बेनिफिशियरी ऐड किया तो कोई दिक्कत नहीं आपका दिख रहा हो, लेकिन आप अलग अलग लोगों के कैश का मैनेजमेंट करते हो, तो कभी इसे कभी उसे अलग अलग अकाउंट का यूज करते हो, तो आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा अकाउंट होने के कारण बेनिफिशियरी को पेटीएम तरफ से सारे को सारा ब्लैंक कर दिया गया, कोई भी नहीं दिखता है। तो इसके सिंपली आपके जो पेटीएम नंबर से बीसी ऐप है उस नंबर से आपको अपने पेटीएम बैंक ऐप को ओपन करनी है, जो मेरा लेफ्ट साइड यहाँ पे देख रहे हो, मेरा यहाँ पे दिख रहा है। तो हम सिंपली अपना उस नंबर से रजिस्टर पेटीएम की ऐप को ओपन करें, जैसे हम प्रोसेस बताएंगे आप करना आपका जरूर हो जाएगा। ओपन करने और आपको बैंक सेक्शन के अंदर आ जानी, जो पेटीएम बैंक के अंदर आपको दिखेगा। फॉर सिक्योरिटी रीजन लेफ्ट साइड में आपका डिस्प्ले ब्लैंक हो गया होगा, तो हम राइट साइड में उसे कैमरा व्यू करके हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे बैंक सेक्शन आने का कुछ इस प्रकार आपको दिखा, जहाँ बैलेंस आपको शो करेगा, स्क्रॉल डाउन कर नीचे आनी है, तो यहाँ पे आपको पेटीएम बैंक सेक्शन के अंदर सर्विसेज के अंदर आपको जहाँ पे बैंक पासबुक क्रिएट एफडी रिक्वेस्ट मिले, तो यहाँ पे ऑल बैंक सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलेगा इन बैंक सेक्शन के अंदर। ध्यान रखें, ऑल बैंक सेक्शन क्लिक करोगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मैनेज बेनिफिशियरी का एक ऑप्शन सबसे थर्ड लास्ट में दिख जाएगा, मैनेज बेनिफिशियरी के अंदर आपको आ जानी है। यहाँ पे आपको ज्यादातर आप पेटीएम ऐप से किसी को यूपीआई किए होंगे तो वो ज्यादातर दिखेगा, इसके लिए आप एक रेट का टाइम ले लें, क्योंकि इसमें टाइम आपका लग सकता है, और आप स्क्रॉल डाउन कर नीचे चले जाते जाएंगे और यहाँ पे आपको उन सभी बैंक अकाउंट अगर दिखने लगे आपको अकाउंट नंबर बैंक अकाउंट यानी बेनिफिशियरी में जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हो, जो आपका यहाँ पे है एक एक कर जिनका आप पैसा आप नहीं भेजते हो, उन सबको जो काम करना है आपको चुन चुन कर उसे यहाँ से डिलीट, ये तीन डॉट के ऊपर क्लिक कर, केवल और केवल अकाउंट नंबर जिसका दिखता है उसके ऊपर ये तीन डॉट है क्लिक कर रिमूव बेनिफिशियरी आपको कर लेनी है। जरूर इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको जितने भी इन यूज के नहीं बेनिफिशियरी उन सबको या जिनके आपको पैसा नहीं भेजना है उन सबको एक एक कर यहाँ से डिलीट कर ले, सभी को नहीं करेंगे, आपको जो है काम के छोड़कर बाकी जो फालतू सबको आप डिलीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जितने भी यूपीआई टिक मार्क दिखेंगे उनको छोड़ देना है और स्लाइड बहुत करना, आपके पास टाइम है तो ही करना, एक डिलीट करोगे स्टार्टिंग में चले जाओ, फिर स्क्रॉल डाउन कर आप नीचे आओगे, फिर बाकी को डिलीट ढूंढोगे, कम से कम आधे घंटे आप टाइम निकाल कर बैठो इन काम करने के लिए। जो बैंक अकाउंट दिख रहा हो अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड इस प्रकार से मैं आपको दिखा, देखो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है, इस प्रकार से इनको क्लिक कर और यहाँ से रिमूव करना, मैंने ऑलरेडी लगभग तीन चार को छोड़कर बाकी सबको हटा दिया है। हम चलते हैं अपने पेटीएम बीसी ऐप पे फिर से और हम आप फिर से देखते हैं क्या अब हमें वापस वो ऑप्शन देखने मिला है या अभी भी हमें इशू आ रहा है। हम लॉगिन कर लेते हैं, तकरीबन मुझे आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, मैं ये प्रोसेस एक एक को छांट छांट कर बेनिफिशियरी सबको डिलीट किया हूं जो काम के नहीं है, जिन पे आप ट्रांजैक्शन नहीं करना है। और हम पासबुक के अंदर जाते हैं, सेंड मनी टू बैंक पे क्लिक करते हैं, तो हमारा जो बेनिफिशियरी जो पहले सेव था वो सच में वापस आ चुका है, मेरे जितने बेनिफिशियरी जो मैंने छोड़ रखा है वहां पर पेटीएम के ऊपर जाकर ऐप के अंदर जाकर वहां पर जितने भी था उनने किया, लेकिन आपको इंस्टेंट नहीं आएगा, मैंने भी तुरंत देखा तो नहीं आया था, कुछ देर वेट किया एक घंटा दो घंटा, तो वहाँ मेरे जो तीन चार महीने छोड़ दिए तो वो हमें अब पेटीएम पे सेंड मनी टू बैंक पे दिख रहा है। तो आप अगर पेटीएम का बीसी एजेंट है और आपका पूरा ब्लैंक आ रहा है तो आप सेम चीज ट्राई करें, आप यूपीआई जो है वहाँ पे बहुत सारे यूपीआई भी इसमें, आप चाहो तो एक एक अगर टाइम है तो सबको आप डिलीट कर ले, ऐसा ही सब कुछ पहले की तरह पेटीएम बीसी ऐप पे सेंड मनी टू बैंक जो भी नाम डिटेल वगैरह था जो पहले भेजे आने लगे, आप चेक करो और मुझे बताओ आपका आया या नहीं आया नीचे कमेंट करके। बाकी वीडियो जरूर आपको पसंद आया तो लाइक करें, ये ट्रिक वर्क किया हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब भी करें एंड से इंफॉर्मेटिव और इस प्रकार से पेटीएम के रिलेटेड स्पेशली वीडियो इस चैनल पे आते रहती। बाकी केवाईसी स्टार्ट होने का अभी तक कोई भी अप्रैल आ चुका, अप्रैल बात थी होने की, तो हो सकता है अप्रैल में किसी भी वक्त चालू हो जाए, लेकिन पेटीएम कंपनी तरफ सारा प्रोसेस कंप्लीट, बस आरबीआई की उधर से इंफॉर्मेशन आना है, ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, अब जैसे आएगा वीडियो सब्सक्रिप्शन पर देखने मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।